दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक ऑडियो स्टैंडर्ड का क्रॉसओवर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इसको चेक करने पर मुझे पता लगा इसके सारे कंट्रोल ख़राब निकले हैं। ये मैंने इसके कंट्रोल सारे बाहर निकाल लिए, नए ले आया हूँ रख के। ये मैं इसमें धीरे धीरे करके लगा दूँगा, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी पहले मैं आपको दे देता हूँ। इसका जो ये सबसे पहला जो कंट्रोल लगा हुआ है, ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए है। दूसरे वाला जो ये वाला कंट्रोल लगेगा, ये मिड के लिए लगा हुआ है। जैसे साउंड वगैरह आवाज़ आती है गाने वाले की, उसके लिए है ये मिड। ये ट्रैवल के लिए है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। ये वाला कंट्रोल जो लगेगा, ये जैसे बास होती है, बास और बैलेंस दोनों साइड के बास को बैलेंस करने के लिए है। दोनों चैनलों के बास को बैलेंस करने के लिए मिक्स बैलेंस बास है ये, ठीक है। ऐसे ही ये फिर से आ गया दूसरे चैनल का, लो मिड और वो हाई फ्रिक्वेंसी। इस तरीके से ये सर्किट बना हुआ है। इसमें ये जो आईसी लगा हुआ है, ये एक ही नंबर के लगे हुए हैं सारे आईसी। और ये इसका इनपुट पॉइंट है और ये जो है इसके आउटपुट है। जैसे मिड के लिए ये फ्रिक्वेंसी बाहर देगा, लो के लिए मिड के लिए ये देगा, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये वाला देगा। ठीक इसी प्रकार ये वाला है लो फ्रिक्वेंसी, फिर मिड के लिए और फिर ट्रैवल के लिए, ठीक है। ये सब अलग अलग फ्रिक्वेंसियाँ देते हैं और यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। इन सारे कंट्रोलों से जो भी मैं इसमें डालूँगा, ये सारे ख़राब निकले हैं, तो यही इसकी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आती है एसी, वो इसको दी जा रही है एसी सप्लाई, लिखा हुआ भी है इस पर एसी। ये इससे यहाँ पे IN 4007 चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये फिल्टर होके इन आईसीओ को दी जाती है, ठीक है। ये आपको मैं सारी जानकारी देता जा रहा हूँ, और इसमें कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं। बाकी इसका बोर्ड आप देख लो आराम से, क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है कि दिमाग में ये रहता है कि ये कर लेंगे, हो जाएगा। कोई क्रॉस ओवर लेके आया बाय चांस, सीधा ये इस तरह का ये ले आया। अब हमें जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं है। अगर जानकारी होगी तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई ये तो क्रॉस ओवर है और इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता। इसके अंदर ये या तो कोई आईसी ख़राब निकलेगा, उसके लिए भी ये सबके लिए अलग अलग आईसी लगे हुए हैं। मान लो ये वाला जो है लो फ्रिक्वेंसी बाहर नहीं कर रहा, तो इसमें ट्रेस करके पता लगा लो कि लो फ्रिक्वेंसी वाला कौन सा आईसी है। उस आईसी की शर्तें देख लो, सप्लाई पिन वगैरह सब ये नेट में आपको पता लग जाएगी कि कौन सी सप्लाई है, कौन सी इन है, कौन सी आउट है, और उसी हिसाब से आप चेक करके इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो कभी कभी देखता हूँ तो उसमें मैं ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ। अगर आपको अगर अजीब लगता हो तो सॉरी, क्योंकि मैं तो समझाने के हिसाब से आदत के अनुसार बोल देता हूँ। कोशिश करूँगा
कि बार बार ठीक है शब्द ना बोलना पड़े, लेकिन मैं आदत के अनुसार बोलता हूँ, मतलब निकल जाता अपने आप आवाज़। तो इस आईसी का जो नंबर है, ये सारे एक ही नंबर के हैं, इस आईसी का नंबर है TL074 सबका। इसके जगह LM324 भी लगाया जा सकता है। ये जो आईसी होता है ये प्री एम्पलीफायर का काम करता है, जो पीछे से इनपुट सिग्नल दिया जाएगा उसको प्री प्री को एम्पलीफाई करेगा, प्री सिग्नल को मतलब कम सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे दे देगा। ये बास ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल को फीडबैक देने के लिए या प्री सिग्नल देने के काम आता है। तो ये जो आईसी होता है अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा प्रदर्शन करता है एक तरीके से समझ लो। और कोई इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए इस आईसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो और कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ और इसके बारे में पता करना हो, तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, नए सब्सक्राइबर मिलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आपका भी मनोबल बढ़ेगा, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है, इसलिए मैं कई बार कोई चीज़ बताते बताते भूल जाता हूँ, कोई चीज़ बतानी होती है सोचता हूँ कि बताऊँगा, लेकिन वो फिर बाद में बोलते बोलते में कुछ और शब्द निकल जाता है मुँह से। कई बार चीज़ के बारे में पता होता है कि भाई ये चीज़ ये है, लेकिन मुँह से कुछ और भी निकल जाता है, तो ये ऑटोमेटिक उम्र ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। तो आप इस चीज़ को मतलब अपने आप ही समझ लो कि भाई कैसे, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसलिए तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, और ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को भी आगे बढ़ाता रहूँगा, ताकि अगली वीडियो में आपको दूंगा कोई और अच्छी सी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।